नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग योर स्टडीज और नॉट? टुडे इट इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 8, चैप्टर 3. चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 2. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट HTML web page, how to save a HTML file, how we can use body tag and some closing and opening tags. So we will discuss about all these topics today. So how to create a HTML web page. Web page banana maine aapko last class mein bhi bataya tha ki you can create your own web page. लेकिन आज मैं आपको अगेन HTML वेब पेज बनाना जो है वो हम अगेन क्लियर करेंगे इसको. सो बेसिक HTML स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑफ ऑल HTML टैग, देन हेड, देन टाइटल इफ यू वांट टू गिव एनी टाइटल टू योर डॉक्यूमेंट, देन क्लोज द टाइटल, स्टार्ट द बॉडी टैग एंड यू कैन राइट एनीथिंग विच यू वांट टू राइट इन द बॉडी टैग. So here is a video which I want to show you for your better understanding. So please listen this video carefully and then I will discuss about more on the topic. So now Sumit needs to create a web page titled contact information. Help him to create and save the web page as an HTML document. सो सुमित को एक वेब पेज बनाना है जिसका टाइटल देना है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे वेब पेज बनाया जाता है, कैसे उसको टाइटल दिया जाएगा और कैसे उसे सेव किया जाएगा एज एन HTML डॉक्यूमेंट. सो प्लीज लिसन केयरफुली, हियर इज द वीडियो. हेलो चिल्ड्रन, सुमित नीड्स टू क्रिएट अ वेब पेज टाइटल्ड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. Help him create and save the web page as an HTML document. Help him open it in a web browser. Okay children, to create the web page, Sumit will need to first start Notepad. So if you want to create a web page in HTML, so first of all you have to open a notepad. आप जो भी अपना HTML का document बनाएंगे, जो आप web page बनाना चाहते हैं, तो HTML के document कोई का जो code होता है उसे हम किस में लिखते हैं? Notepad में. तो सबसे पहले आपको एक notepad open करना है. Next. Then he will need to type the HTML tag within the angular brackets. Okay, so first of all you will open a notepad. उसके बाद में notepad में आपको इस तरीके से HTML tag को लिखना है with the angular brackets. Okay. Sumit will need to leave a few lines space and type the HTML closing tag within the angular brackets. ओके, सो लीव द फ्यू लाइन स्पेस, कुछ लाइंस का स्पेस छोड़ के एंटर द HTML क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग के लिए आप स्लैश लगाते हैं, देन HTML लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में और उसे आप क्लोज कर देते हैं. ओके, सो HTML आपने ओपन किया, देन HTML को आपने क्लोज कर दिया और बीच में आपने कुछ लाइंस का स्पेस दे दिया. नाउ नेक्स्ट, देन ही विल नीड टू प्रेस एंटर. ओके, देन यू नीड टू प्रेस एंटर. नेक्स्ट ही विल नीड टू टाइप द ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेडर टैग्स विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स इनसाइड द HTML टैग. सो HTML टैग में आपको क्या करना है, उसके बाद हेड टैग को ओपन करना है एंड देन क्लोज करना है. इट मींस हेड टैग को आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स में लिखना है. और हेड टैग हम क्यों लिखते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट का जो हेडर पार्ट है उसमें अगर हमें कुछ भी लिखना है
तो उसके लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट. एंड देन ही विल नीड टू टाइप द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग्स विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स बिलो द हेड टैग. ओके. सो हेड टैग के बाद में हेड क्या होता है? हेड मीन हेडर में हमें क्या लिखना है. देन हम बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जो हमारा वेब पेज है उसका जो हेडर है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और जो उसकी बॉडी है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट. सुमित विल नीड टू टाइप द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइटल टैग्स विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स इनसाइड द हेडर टैग्स. ओके. सो नाउ वी विल इंसर्ट एन ओपनिंग टाइटल टैग एंड अ क्लोजिंग टाइटल टैग. ठीक है. टाइटल टैग का क्या मतलब है? टाइटल टैग का मतलब है कि अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट का कुछ भी टाइटल देना है तो टाइटल हमेशा कहाँ आता है? हेडर सेक्शन में आता है. जो हमें हेडर में जो टाइटल देना होता है हमारे डॉक्यूमेंट का उसे हम टाइटल टैग के थ्रू ओपन एंड क्लोज करते हैं. Now he will need to type the text contact information inside the title tags. Okay, so title tag का जो use किया गया है, title tag के बीच में contact information जो कि आपका title है वो यहाँ पे add कर दिया गया है. तो हमारा जो document का title है वो क्या है? Contact information. Contact information को title tag के अंदर एनक्लोज किया गया है. हियर इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग. नेक्स्ट ही विल नीड टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन सेव एज. द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओके. सो व्हेन योर पेज इज कंप्लीट, आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा कोड लिख दिया, आपका पेज कंप्लीट हो गया, देन यू कैन सेव इट. सेव करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, देन सेव एज पे क्लिक करना है. सेव एज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज वाला ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा. देन देखिए आपको क्या करना है. हियर इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स ही विल नीड टू टाइप द नेम कॉन्टैक्ट वेब पेज डॉट html. ओके. सो जो आपका फाइल नेम होता है वहां पे आप कुछ भी अपने फाइल का नेम दे सकते हैं. Like यहाँ पे दिया है कॉन्टेक्ट वेब पेज एंड आप जो भी टाइटल देंगे उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? डॉट एच टी एम एल. ठीक है. नेक्स्ट. ही विल नीड टू सिलेक्ट द ऑल फाइल्स ऑप्शन फ्रॉम द सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सेव द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट. ओके. सेव एज टाइप में आपको ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है. Then Sumit will need to select the location where he wants to save the file. For this demo, we will save the file on the desktop. Okay, if you want to save your file on the desktop, then you can select desktop option. Okay. Now, next. And then he will need to click on save. Okay, then you will click on save button. उससे क्या होगा? आपकी फाइल जो है वो Finally, Sumit will need to go on desktop at the file location and open the HTML document. That's it, children. The contact information web page has been created and saved as an HTML document. We have also opened the HTML document in the web browser. All tasks are complete. Then, from the desktop, you can double-click on the HTML file and You can open your file like this. यहाँ पे देखो टाइटल में इन्होंने दिया था कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे टाइटल में आ रहा है. आप हेड में टाइटल हेड टैग ओपन करके आप टाइटल में जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये हेडर सेक्शन में. ओके. एंड नाउ हेयर इज सम क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर वन इज HTML इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर डैश दैट अलाउज यू टू डिजाइन वेबसाइट्स. ओके. सो एप्लीकेशन लैंग्वेज प्रोग्राम डिवाइस. सो HTML इज नॉट अ एप्लीकेशन, इट्स अ
language. Why? Because the full form of HTML is Hypertext Markup Language. So submit this. Yeah, that's right. HTML is basically a specialized computer language. Okay, continue. Now, next question. You can open the HTML document in your preferred browser. HTML document जो है वो आपका किसी न किसी browser में ही open होगा. So, click on browser and submit. That's right. HTML document will be open in preferred browser. Then continue. Next question is, in the save as dialog box, select the dash option from the save as type drop down list. Save drop down list में से हम किसे select करते हैं? Save as type में मैंने अभी आपको बताया, हम select करेंगे all files. Okay, जब आप save करते हैं और save as type पे जब आप click करते हैं, then you will click on all files. Click on submit. Yeah, that's right. Next question. Each HTML document begin with this and this. Yes, right. This is opening tag and this is closing tag. So it is true. Submit. So now next question is, the opening tag slash in front of it declare the end of tag which is called closing tag. The opening tag with this in front of this declare the end of tag which is called closing tag. Yes. So that's right. Opening tag जो होता है उसके सामने अगर हमें slash लगा देते हैं तो हम उसे closing tag बोल सकते हैं. So this is this was some questions. Now I want to show you some practical of this. Okay, I have given you a homework today, yesterday in your class, in your first class, कि आपको अपना address लिखना है और आपको अपने address का एक document बनाना है. ये मैंने आपको homework दिया था, ठीक है. So अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल बता देती हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे, ठीक है. आप अपने कंप्यूटर पे नोटपैड ओपन करेंगे. जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, नो नीड टू पैनिक, ठीक है. अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज जब भी आप स्कूल आएंगे तो हम स्कूल में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है. आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोटपैड ओपन करेंगे. नोटपैड ओपन करने के बाद आप अपना जो HTML डॉक्यूमेंट है उसे लिखना स्टार्ट करेंगे. सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा HTML एंड ओके. सो दिस इज द टैग फॉर HTML. सो HTML को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे. सो हमने टू टैग्स यहाँ पे बनाए हैं. फर्स्ट इज स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML, देन क्लोजिंग टैग ऑफ HTML. देन आफ्टर दिस अगर हमें टाइटल देना है तो हम क्या करेंगे, फिर हेड, ठीक है. हेड का भी हम क्लोजिंग टैग भी साथ में बना देंगे ताकि बाद में सिंटेक्स एरर नहीं हो, हम भूल नहीं जाएं. अब हेड टैग में हमें क्या देना है, एक टाइटल देना है. तो टाइटल टैग हमने स्टार्ट किया एंड हमने टाइटल टैग को क्लोज भी कर दिया, ओके. नाउ टाइटल टैग में हमें क्या टाइटल देना है, लाइक मैंने आपको एड्रेस दिया था, सॉरी होमवर्क दिया था कि आपको अपने घर का एड्रेस लिख के एक पेज बनाना है. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो प्रैक्टिकल, वो अब इस वीडियो को देखने के बाद में ट्राई करके देखिएगा और फिर उसके बाद में जो भी उसका कोड होगा वो कोड आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो यहाँ से वीडियो में से ये जो कोड मैं लिख रही हूँ इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है. तो लाइक मैं स्कूल का एड्रेस लिख देती हूँ. तो मेरा जो वेब पेज है उसका नाम है माई स्कूल एड्रेस, ओके. सो दिस इज द टाइटल, हमने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया माई स्कूल एड्रेस. नाउ आई विल स्टार्ट बॉडी टैग एंड बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है.
तो बॉडी टैग को हमने स्टार्ट किया एंड बॉडी टैग को फिर हमने क्लोज भी कर दिया। ओके अब बॉडी में हमें क्या लिखना है, हमने टाइटल में तो लिख दिया माई स्कूल एड्रेस, अब हमें बॉडी में लिखना है स्कूल का एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा रावत पब्लिक स्कूल, सेक्टर 17, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, सो दिस इज द एड्रेस ऑफ आवर स्कूल। सो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने टाइटल में स्कूल का एड्रेस लिख दिया, बॉडी में हमने स्कूल का एड्रेस लिख दिया और टाइटल में हमने माय स्कूल एड्रेस ये हमने टाइटल दे दिया। नाउ हाउ यू विल सेव इट, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा था, क्लिक ऑन दिस फाइल एंड देन क्लिक ऑन सेव एज। सेव एज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, लाइक कुछ भी आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। मैंने दे दिया जैसे माई स्कूल। ओके जो भी आप टाइटल देंगे उसके सामने आप .html एक्सटेंशन यूज करेंगे जिससे वो फाइल HTML फाइल बन जाएगी। ठीक है, सो एंड सेव एज टाइप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट ऑल फाइल्स। आपने यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर ली। अब ये फाइल आप कहाँ किस लोकेशन पे यूज करना चाहते हैं, सो फॉर दिस डेमो क्लास हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन दिस सेव बटन। ठीक है, इसको सेव करने से क्या हुआ, यहाँ पे माई स्कूल आ गया आपका, इट मीन्स आपकी जो फाइल है वो सेव हो गई है। अब आप जाएंगे अपने पीसी के डेस्कटॉप पे। ओके सो क्योंकि हमने हमारी जो फाइल है उसको हमने कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे हमें फाइल मिल जाएगी, हमारी फाइल फाइल वॉज माई स्कूल। तो ये हमारी फाइल है माई स्कूल। अगर आप चाहें तो मैं इसे आइकन थोड़े बड़े कर सकती हूँ तो आपको ये इजीली शो हो जाएगी। हमारी जो फाइल है वो ये है माई स्कूल नेम से। सो हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था तो डेस्कटॉप पे हमें हमारी फाइल मिल गई। नाउ यू विल ओपन दिस फाइल, आपने इसे ओपन किया डबल क्लिक करके। जब आप इसे ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ब्राउजर में ओपन होके आपको ये इस तरीके से आपका एक वेब पेज बन जाएगा। हमारे वेब पेज पे हमारे स्कूल का टाइटल आ रहा है, सॉरी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है माई स्कूल एड्रेस। ठीक है, सो अब आपको ये समझ में आ गया कि हम टाइटल में जो भी लिखेंगे हेड में जाके वो यहाँ पे हेडर में दिखाई देगा एंड इट इज द टाइटल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। नाउ हमने बॉडी में जो भी लिखा था वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, वो सब हम स्टेप वाइज प्रैक्टिस करेंगे। आप वन बाय वन एवरी प्रैक्टिकल करते चलिए, आप अगर साथ साथ करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम हर क्लास में कुछ कुछ टैग्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रावत पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 प्रताप नगर जयपुर राजस्थान जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, बट एक ही लाइन में शो हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जैसे हमने वहाँ पे लिखा था वैसे शो हो। देन ओपन योर नोटपैड, आपने नोटपैड ओपन किया। अब देखिए एक टैग होता है BR टैग, BR टैग इज फॉर लाइन ब्रेक। ठीक है, आपको अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो आप BR टैग का यूज करेंगे। तो जहां से भी हमें लाइन चेंज करनी है वहां हम BR टैग का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे BR टैग यूज कर लिया BR। ठीक है, नाउ गो ऑन फाइल एंड सेव योर डॉक्यूमेंट। अपने फाइल को आपने सेव कर दिया। अब आप अपने जो आपका पेज था उसे ओपन करिए ब्राउजर से और अब आप यहाँ से इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। आप अपने पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो जो आपने सेव किया है वो
इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये इस तरीके से आ गया आपका, जैसे हमने किया था कि यहाँ से हमने बी आर टैग यूज किया तो वो लाइन्स जो है वो चेंज हो गई और ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। हम यहाँ से इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में वन बाय वन सारे जो टैग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना ही डिस्कस करेंगे हम, लेकिन जो भी हमने आज डिस्कस किया है प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर दिस। एंड जो कोड मैंने लिखा है एड्रेस के लिए, आप सेम वैसा ही कोड अपने घर के एड्रेस के लिए अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिनके पास कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर में पहले कोड को रन करके एक HTML डॉक्यूमेंट बना के, एक वेब पेज बना के, उसके बाद अपनी नोटबुक में उसे राइट डाउन करेंगे। और जिनके पास अभी कंप्यूटर नहीं है तो वो यहाँ से ये वाला कोड देख के और अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, ठीक है। नाउ डू ऑल द वर्क इन इंटरलीफ नोटबुक एंड रिमेनिंग चैप्टर्स और रिमेनिंग टैग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड योर होमवर्क आई विल शेयर इन योर ग्रुप, ठीक है। जो भी आपका होमवर्क है वो मैं आपके जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी, तो वहां से आपको करना है। एंड डू ऑल द वर्क इन इंटरलीफ नोटबुक। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी इन द लाइव क्वेरी सेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।